नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। मैं पंकज मिश्रा। दोस्तों, दवाएं अगर काम न आए तो भी नजर उतारती है। दवाएं अगर काम न आए तो भी नजर उतारती है, ये माँ है साहेब, हार कहां मानती है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के अंदर यदि सभी प्रकार की परेशानियां भी हमारे सामने हो तो उन परेशानियों का मुकाबला करने के लिए हमसे आगे एक सशक्त चट्टान के रूप में यदि कोई शख्स खड़ा हो जाता है तो वो होती है हमारी माँ। इसलिए कहते भी है दोस्तों कि वह माँ ही है जिसके रहते जिंदगी में कभी कोई गम नहीं होता है। वह माँ ही है जिसके रहते जिंदगी में कभी कोई गम नहीं होता है, और दुनिया साथ दे या न दे पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, जीवन पर्यंत माँ का ये वात्सल्य प्रेम हमारे ऊपर बरसता रहता है, और उस प्रेम से, उस आशीर्वाद से जिंदगी भर हम परेशानियों का दृढ़ता पूर्वक मुकाबला करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और दोस्तों, जिंदगी के अंदर यदि सबसे ज्यादा हमें कोई जीना सिखाता है तो वो भी हमारी माँ होती है। इसलिए माँ के बारे में कहते भी हैं कि माँ जिंदगी की पहली टीचर है। यदि जिंदगी के अंदर पहले दोस्त की भी बात करें तो वो भी माँ है। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी तू भी माँ है, क्योंकि जिंदगी देने वाली भी माँ है। इसलिए दोस्तों, इस माँ की महिमा को, माँ के बारे में कौन क्या कह सकता है, कौन क्या लिख सकता है, क्योंकि माँ ने खुद ने ही हम स्वयं को लिखा है। और दोस्तों, फिजिक्स भी माँ के बारे में कुछ कहना चाहती है। आप कहोगे गुरुजी, फिजिक्स भी माँ के बारे में कुछ कहना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम था उसका एक रिजल्ट आता है, एक परिणाम आता है F=ma। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये ma अर्थात माँ, और माँ से F का मतलब मिलता है क्या, बल। अर्थात दुनिया में यदि हमको बल चाहिए, ताकत चाहिए, हौसला चाहिए, साहस चाहिए, तो ऐसी स्थिति में ये बल हमेशा मिलेगा कहां से, माँ से। तो माँ से हमेशा बल मिलता है। आज भौतिक विज्ञान भी यह कहना चाहती है कि दुनिया के अंदर यदि आप हमेशा आगे बढ़ने के लिए साहस चाहते हो, ताकत चाहते हो, तो हमेशा आप जो है माँ का आशीर्वाद और माँ का प्यार लेते रहो। आज मदर्स डे पर आप सभी की माताओं को मेरी ओर से प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।